नमस्कार जनप्रभा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ये मोदी आज गुजरात में इन्वेस्टर समिट को करेंगे संबोधित। वाहनों की स्क्रैपिंग पॉलिसी पर किया जाएगा मंथन। राष्ट्रपति से अलग अलग मिले कुछ केंद्रीय मंत्री और विपक्षी नेता। सदन में हुए हंगामे को लेकर रखी अपनी अपनी बात। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर लगाया क्षुद्र राजनीति करने का आरोप। बोले सदन का समय बर्बाद कर लोकतंत्र के मंदिर का क्या अपमान। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग जगत को दिया भरोसा। बोले बातचीत के बाद ही FTA को दिया जाएगा अंतिम रूप। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कई कार्यक्रम शुरू करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अमृत महोत्सव मनाने के लिए 75 पर्वतीय दर्रों को पार करेंगी सेना की टीमें। विश्व हाथी दिवस पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान। का इंसान व पशुओं के संघर्ष को रोकने के लिए काम करने की जरूरत। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। का समग्र शिक्षा के लिए केंद्र राज्य देंगे 3 लाख करोड़ रुपए। यूपी में गंगा नदी के रौद्र रूप और बाढ़ से 5 लाख लोग प्रभावित। वाराणसी प्रयागराज में कई इलाके डूबे। बिहार भी प्रभावित। सीएम योगी ने वाराणसी पहुंचकर बाढ़ राहत कार्यों का लिया जायजा। राहत केंद्र में रह रहे बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर जाना हालचाल। अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार पर भी तालिबान का कब्जा। अल्पसंख्यकों को सुरक्षित निकालने में मदद करेगा भारत। अपने कर्मचारियों को निकालने के लिए अफगानिस्तान में सेना भेजेगा अमेरिका। करीब 3000 सैनिक विमान सुविधा और सुरक्षा कराएंगे मुहैया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में एक दहशतगर्द को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू में बीजेपी नेता के घर दहशतगर्दों ने किया ग्रेनेड से हमला। 3 महीने के बच्चे की गई जान। सुरक्षा नहीं मिलने का लगाया आरोप। एयर इंडिया की पायलट जोया अग्रवाल बनी संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता। का प्रतिनिधित्व का मौका मिलना मेरे लिए बहुत गौरव की बात। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की फुल डे रिहर्सल के चलते कई मार्ग रहेंगे बंद। व्यावसायिक वाहन और अंतर्राज्यीय बसों के आवागमन पर रहेगी रोक। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। अवैध वसूली के मामले में अन्य पुलिस अधिकारियों के नाम भी शामिल। कोरोना के मामले को लेकर हिमाचल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। का बाहरी राज्यों से आने वालों को दिखानी होगी निगेटिव रिपोर्ट। हरियाणा में नए DGP के लिए 3 नामों पर बैठक में लगी मुहर। PK अग्रवाल RC मिश्रा व मोहम्मद अकील के नाम फाइनल। पाक ने चीनी नागरिकों पर हुए हमले के पीछे भारत को ठहरा जिम्मेदार। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान का भी लिया नाम। चीन ने इसराइल और ईरान पर किया साइबर हमला। सरकारी संस्थाओं और IT कंपनियों को बनाया निशाना। CAPF की परीक्षा में पश्चिम बंगाल में हुए बवाल पर पूछे गए सवाल। ममता बोली UPSC जैसी संस्थाओं को बर्बाद कर रही है भाजपा। वैज्ञानिकों ने कोरोना के डेल्टा वेरियंट के बदलने का किया दावा। दुनिया में मिले 13 स्वरूप जिसमें 5 भारत में मौजूद। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 40,006 नए मामले जबकि 583 मरीजों की गई जान। 41,707 लोग हुए ठीक। देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,20,00,000 के पार। वहीं अभी तक 4,29,000 लोगों की जा चुकी है जान। एयरफोर्स ने वैक्सीन से इनकार करने वाले कर्मी को किया बर्खास्त। केंद्र सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट में दी जानकारी। सीएम योगी ने हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा का किया अनावरण। चौरा चौरी शताब्दी महोत्सव की श्रृंखला के तहत शुरू किया कार्यक्रम। मध्य प्रदेश सरकार ने ई प्राथमिकी सेवा का शुरू किया परीक्षण। बिना थाने जाए FIR दर्ज करा सकेंगे प्रदेश के आम नागरिक। मनसुख मांडविया ने जेनेरिक दवाओं का उत्पादन बढ़ाने पर दिया जोर। बोले पेटेंट मुक्त होने जा रही दवाओं का निर्माण करें फार्मा कंपनियां। RBI ने कोऑपरेटिव राबो बैंक पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना। नियामकीय अनुपालन में खामियां बरतने जाने पर की कार्रवाई। खट्टर ने मिट्टी की जांच के लिए 40 नई प्रयोगशालाओं का किया उद्घाटन। बोले ब्लॉक स्तर पर ही किसान करा सकेंगे मृदा परीक्षण। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार के लिए चयनित हुए कुल 69 कामगार। उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस साल 3 श्रेणियों में किए जाएंगे सम्मानित। भारत सरकार ने स्कूलों की फीस में की 15% की कटौती। CM उद्धव ठाकरे ने सभी बोर्ड और स्कूल प्रबंधकों को जारी किया निर्देश। राजस्थान कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट भी किया गया लोक। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने भी अकाउंट बंद होने की दर्ज कराई शिकायत। सचिन पायलट ने अकाउंट लॉक करने की प्रक्रिया को बताया गलत। बोले केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहा है ट्विटर। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई को मिला केंद्रीय सुरक्षा कवर। GCPA नेता अनंत महाराज को भी केंद्र ने दी 22+ श्रेणी की सुरक्षा। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियों को दी छूट। शहनवाज हुसैन बोले व्यक्तिगत खाता खुलवाकर भी लाभ ले सकेंगे उद्यमी। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों की SIT ने तेज की जांच। कानपुर में 36 साल से बंद कमरे को खोलकर इकट्ठा किए सबूत। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत पर साधा निशाना। बोले महिला अपराधों के बारे में बात नहीं करते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंभू बाबा आसाराम के बेटे नारायण साईं को दिया झटका। गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दी गई 2 हफ्ते की फार्लो पर लगाई रोक। कर्नाटक
भाजपा विधायक ने अपनी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। एमपी कुमार स्वामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा का लगाया आरोप। भाजपा अध्यक्ष सदानंद तनवड़े ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले राहुल को चुनाव प्रभारी बनाने से भी पार्टी नहीं जीत पाएगी चुनाव। राजस्थान में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान। बिजनौर में सारथी हम फाउंडेशन ने आयोजित किया रक्तदान शिविर, सदर विधायक सुशील चौधरी और मौसम चौधरी ने किया उद्घाटन। गौतम बुद्ध नगर के मूंछखेड़ा गांव में हुई डकैती का पुलिस ने किया खुलासा, मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। फिर विवादों में घिरी ग्रेटर नोएडा जूनियर हाईस्कूल रूपबास की प्रिंसिपल, युवक ने 5 महीने तक काम कराने के बाद पैसे न देने का लगाया आरोप। असम सरकार ने कांस्य पदक विजेता लवलीना को दिए 1 करोड़ रुपए, सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने की पुलिस उपाधीक्षक पद की पेशकश। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत, खेल खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 276 रन। भारतीय ओपनर के राहुल ने जड़ा टेस्ट करियर का 6ठा शतक, दूसरे सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 83 रन बनाकर हुए आउट। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने लॉर्ड्स में रचा इतिहास, टेस्ट में 35,000 से अधिक गेंद फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने। फिट इंडिया फ्रीडम रन को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन कार्यक्रम में हुए शामिल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।